नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे कैब में लगे हीटर और कैब फैन के बारे में। उनको सप्लाई कहाँ से मिलती है, कैसे वे काम करते हैं। तो सबसे पहले कैब हीटर की बात करते हैं। कैब हीटर का स्विच जो होता है वो BLRA होता है। कैब वन में BL1RA, कैब टू में BL2RA होता है। और कैब हीटर को यू और वी फेज की सप्लाई मिलती है। ये चाहे आर्नो से आवे या फिर SI यूनिट से आवे, 380 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट जो भी सप्लाई है वो मिलेगी, लेकिन दो फेज़ की सप्लाई मिलेगी इसको, दोनों फेज रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, यू फेज से सीधी सप्लाई आ रही है, BLRA को क्लोज किया। ये जो एक कैब में है, दोनों हीटर दोनों साइड रहते हैं हीटर, तो दोनों को सप्लाई मिल जाएगी। इधर से इसका सर्किट पूरा होगा, इधर फ्यूज लगा हुआ है CCRA 16 एम्पियर का वी फेज से। यही यू और वी फेज से सप्लाई दी जाती है कैब टू में। फिर दोनों कैब हीटर हैं, उनको सप्लाई उनका BL2RA CCRA 2। दोनों कैब का अलग अलग फ्यूज है, अलग अलग स्विच है। इस प्रकार हीटर काम करता है 380 वोल्ट या 415 वोल्ट की सप्लाई से। कोई भी अर्थ फॉल्ट होगा इसमें तो CCRA भी मेल्ट होगा या फिर QOA भी ड्रॉप होगी, अगर आर्नो वाला है तो, या फिर SI यूनिट वाला है तो SI यूनिट में भी अर्थ फॉल्ट का संकेत आएगा। अब बात करते हैं कैब फैन की। कैब फैन के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर VT। कैब फैन को VT के नाम से जाना गया है, इसलिए TFVT एक ट्रांसफार्मर है। इसको न्यूट्रल और यू फेज से 220 वोल्ट की ऐसी सप्लाई मिलती है जैसे अपने घरों में होती है 220 वोल्ट। इस प्रकार 220 वोल्ट ये CCVT फ्यूज है 6 एम्पियर का, 220 वोल्ट की ऐसी सप्लाई TFVT को मिलती है ट्रांसफार्मर को, और वो उसको स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट एसी बना देता है। और जो कैब फैन होते हैं वो 110 वोल्ट एसी से चलते हैं। देखो MVT1 MVT2 यानी कि दोनों कैब में है ये, और ये कैब वन में कैब टू में है। अगर कैब फैन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो CCVT फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, रक्षा करेगा उसकी, ओवर करंट वगैरह जो भी हुआ। अगर उस और भी ज़्यादा अर्थ फॉल्ट हुआ तो QOA भी ड्रॉप हो सकती है। इसको चलाने के लिए कैब फैन के ऊपर ही टॉगल स्विच होता है, उस टॉगल स्विच से हम चला सकते हैं। तो इस प्रकार कैब हीटर और कैब फैन हमारे लोकोमोटिव के काम करते हैं। धन्यवाद।